Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. Just can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from there. चैनल इज लाइव विद वर्षा। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ नए कलेक्शंस के साथ। कुर्तीज और गाउन का मिक्स एंड मैच कलेक्शन है इस बार। सिर्फ कुर्तीज नहीं है, एक्चुअली इस बार ड्रेसेस है प्लस गाउन है। तो ये जो गाउन है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। मैं बहुत सिलेक्ट करके चीजें मंगवाती हूँ, बहुत टाइम जाता है इसमें, क्योंकि आप पूरा टाइम फोन पे चेक करना होता है कि हाँ कौन सा, फिर उनका रिव्यू चेक करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो कोई भी साइट से, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, या जहाँ से भी आप ऑर्डर करते हैं, आप रिव्यू ज़रूर मेंशन कीजिए। उससे क्या होगा ना कि जब आप कोई और भी उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसको पता होगा, आपका रिव्यू उसमें होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि हर कोई रिव्यू चेक करके आप चीज़ें ऑर्डर कीजिए और अपना रिव्यू शेयर कीजिए। उससे दूसरों को भी हेल्प होगी और आपको भी हेल्प होगी। जब आप रिव्यू चेक करके ऑर्डर करेंगे तो चीज़ आपको सही मिलेगी, और जब आप रिव्यू देंगे तो दूसरों को चीज़ें सही मिलेंगी। तो ये आदत डालिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें। तो इसके बाद आने वाला है, एक बार और बोलना चाहूँगी, साड़ी का कलेक्शन है। बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ आई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में साड़ी का कलेक्शन है, आप सब ज़रूर देखिएगा वो वीडियो और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेती हूँ मैं ये पहले ब्यूटीफुल से गाउन की। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। तो ब्रांड नेम है रुद्राक्ष वुमेन। ये इस तरीके का इसका नेक है। सबसे पहले नेक दिखा देती हूं आपको। यहां से कॉलर है, यहां से वी नेक है, यहां पे इस तरीके के बटन्स दिए गए हैं। ये दिख रहे हैं आपको ये वाले बटन्स। अगर ये बटन्स थोड़े डिजाइन वाले होते तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती। तो मैं आपको ये छोटा सा बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो इसको निकाल के, अगर आपके पास बड़े वाले खूबसूरत वाले बटन है ना, वो आप लगा दीजिए, इस गाउन की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे इस गाउन में सिर्फ ये बटन्स पसंद नहीं आए, बाकी ये गाउन बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, मैं गाउन के बारे में बता रही थी, मैं आपको स्टाइलिंग टिप देने लग गई। तो ये देखिए, ये इसका स्लीव है, 3/4 स्लीव है, 3/4 नहीं, आई थिंक क्वार्टर लेंथ है ये। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का ये कट दिया गया है, और यहाँ पे अगेन वही बटन दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से डिज़ाइन दिखता है, तो ये दोनों साइड सेम ही है। पैटर्न पूरा सेम है, आपको दिख जाएगा। अनारकली गाउन कैसा होता है आपको पता ही होगा, बहुत फ्लेयर्ड है ये, बहुत ज़्यादा। कलर इसका पीच कलर है, इसमें छोटे छोटे से ये देखिए फ्लावर्स बने हुए हैं, फ्लावर्स का प्रिंट है, फ्लावर है। कपड़ा इसका जॉर्जेट का है, बहुत प्यारा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। जॉर्जेट के कपड़े वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और इसमें अलग तरीके की कोई डिज़ाइन नहीं है। बॉटम में भी ये देखिए सेम ही है, इस तरीके का पीको का वर्क दिया गया है, बस मतलब पीको हुआ है इस पर, और कोई अलग से डिज़ाइन नहीं है। बात करूँ मैं इसके नीचे, तो ये देखिए ये इस तरीके का अस्तर दिया गया है जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इसको सिंगल भी वेयर कर सकते हैं। ये देखिए, और काफी अच्छा और सॉफ्ट है,
तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये गाउन। ये देखिए, ये बैक साइड से है, तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं तो आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा और बहुत स्टाइलिश लगेगा, काफी फैशनेबल, काफी अच्छा लगा मुझे। बेसिकली बहुत खूबसूरत है ये। तो प्राइस इसका फिर से मुझे याद नहीं है, एक बार मैं चेक करती हूँ। सो फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि प्राइस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में। तो ये मेरा पहला कलेक्शन था, ये गाउन जो मैंने आपको बोला था, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और प्राइस की कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस में इतना खूबसूरत गाउन मिल रहा है और क्या चाहिए। और ये दिखने में पहन के कैसा दिखता है वो आपको क्लियर होगा ट्राई ऑन हॉल में। तो अब बात करूँ मैं सेकेंड ड्रेस की, कुर्ती नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि ये कम्प्लीट कलेक्शन है। ये देखिए, अगेन ये जो कलेक्शन आया है गोश रिकी ब्रांड का है। गोश रिकी के मैं बहुत सारे ऑर्डर कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं उनके कलेक्शंस, काफ़ी अच्छे होते हैं, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मैं ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं, मेरे वीडियोस आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये जो कलर है, सबसे पहले आप कलर देखिए, ग्रीन कलर है, इतना खूबसूरत कलर लगा मुझे बहुत ज़्यादा। और इसका इसमें जो है ये छोटे छोटे से ये देखिए प्रिंट बने हुए हैं, प्रिंट नहीं है एक्चुअली, ये थ्रेड है जैसा इसका जो डिज़ाइन है, क्योंकि ये सिल्क पैटर्न है तो उसी तरीके के थ्रेड के डिज़ाइन दिए गए हैं यहाँ रेड और गोल्डन में। और बात करूँ इसकी स्लीव्स की, तो इस तरीके की 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाती है आपको दोनों तरफ, और दोनों साइड स्लीव सेम है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है ये पूरा, ऊपर से नीचे तक सेम डिजाइन आपको मिल जाएगा, आगे भी बैक साइड में भी। नेक की बात करूं तो नेक इसका राउंड नेक है, यहां से वी नेक है, और नेक पे आपको इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके की डिटेलिंग है। ओवरऑल बहुत ही प्रिटी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल कुर्ता है ये। बैक साइड से मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया थ्रेड वर्क, ये देखिए इस तरीके का थ्रेड का बीच बीच में डिजाइन दिया गया है, ये बैक साइड से है, तो काफी अच्छा है, काफी खूबसूरत है। अगेन इसका जो साइज है वो एल है, मैं एल ही ऑर्डर करती हूँ। अब बात करूं मैं इसके साथ मुझे जो पैंट मिली है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए पूरा सेम ही डिजाइन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बॉटम में इसके ये देखिए सेम ही है, सिर्फ यहां पे आपको इस तरीके का कट मिल जाता है, और जो नेक पे डिटेलिंग दी गई थी सेम वही यहां पे दी गई है, तो ये भी ओवरऑल पहन के काफी अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके का है, सिल्क का मटेरियल है ये, काफी अच्छा है, प्लाजो भी सॉरी पैंट भी इसका काफी अच्छा लगा। अब बात करती हूँ मैं दुपट्टा की, तो दुपट्टा जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सिल्क और कॉटन, तो इसका जो दुपट्टा है ये आप देख सकते हैं ये सिल्क और कॉटन दोनों मिक्स है मुझे लगता है। तो यहाँ पे दुपट्टा इसका काफी खूबसूरत है, ये देखिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिजाइन दी गई है, और बीच में इस तरीके का थ्रेड वर्क दिया गया है, ग्रीन कलर का दुपट्टा है, और दोनों कॉर्नर्स पे इस तरीके का डिजाइन है, तो ओवरऑल दुपट्टा काफी खूबसूरत है। लेंथ इसकी फुल है, पर इसका जो विड्थ है मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे थोड़ा कम लग रही है, बट आप इस तरीके से लेंगे तो ये देखिए इतना है इसका, यहां से यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, इतना ही है मतलब, तो दुपट्टे बेसिकली और होते हैं बट इसका भी कम नहीं है,
लेकिन ठीक है, लेंथ काफ़ी अच्छी है और दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, ये आपको दिख रहा होगा, बाकी तो आपको ट्राई ऑन हॉल में क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो मटेरियल, ये जो ड्रेस मुझे मिला है, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है, आप इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिए अगर आपको पसंद है ग्रीन कलर, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब बारी आती है इसकी, ये है मेरा लास्ट पीस। तो इसको मैंने सोचा था कि इसके साथ पैंट आएगा, पर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ना तो इसके साथ कोई पैंट है, ना प्लाजो है, ना ही लेगिंग्स है। ये मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ दुपट्टा और ये ड्रेस। तो एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, वहाँ पे मेंशन किया गया था कि ये इसके साथ सिर्फ दुपट्टा और ये कुर्ती ही मिलेगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने सेंडी नहीं किया। बाद में मैंने चेक किया तो पता चला कि उसमें पहले से मेंशन है, बस ध्यान देने की ज़रूरत थी। बट ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, आप कोई भी वाइट कलर की लेगी, कोई भी वाइट कलर का प्लाजो या वाइट कलर का पैंट आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये चंदेरी, चंदेरी सिल्क, क्या बोलते हैं, चंदेरी सिल्क ही बोलते हैं आई थिंक, मतलब मटेरियल ये है जयपुरी चंदेरी जो भी होता है। और ये देखिए ये कलर इसका कितना खूबसूरत कलर है, इसमें वाइट कलर के इस तरीके के प्रिंट हैं, डिज़ाइन है। नेक पे आपको इस तरीके की, ये देखिए यहाँ पे गोटा पट्टी वाला इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है। नेक इसका राउंड है, साइज एल है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे छोटा सा कट दिया गया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। बीच बीच में इसमें मिरर वर्क है, इन डिज़ाइंस के बीच में मिरर वर्क है, ब्लैक और वाइट का डिज़ाइन है, और साइड में सेम यही वाली डिटेलिंग दी गई है जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये इसका ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं। नीचे बॉटम में आपको सेम ये वाली डिज़ाइन और इसके साथ यही डिटेलिंग जो आपको नेक पे मिलती है वही यहाँ पे भी मिल जाती है, इस तरीके का इसका बॉटम है। स्ट्रेट फिट कुर्ती है ये, और स्लीव्स ये देखिए इस तरीके की 3/4 स्लीव्स है, और सेम प्लेन स्लीव्स है, और सेम नेक वाला भी डिटेलिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा दोनों स्लीव्स पे। बैक साइड की बात करूँ तो बैक इसका ये इस तरीके से है, इस तरीके के प्रिंट हैं ये देखिए, और अंदर इसमें ये देखिए अस्तर भी दिया गया है। तो ट्रांसपेरेंट होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो कुर्ती काफी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट फिट। साइज वगैरह में मैं आपको बोलूं कि क्योंकि मैंने एल साइज ऑर्डर किया था तो मुझे थोड़ा सा ये लूज ही लग रहा है, तो आप चाहें तो एक साइज कम ऑर्डर कर सकते हैं या सेम साइज फिर आपको फिटिंग कराना पड़ेगा, जो भी आपका साइज हो उससे एक साइज कम ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, काफी बिल्कुल पार्टी वेयर, कैजुअल या ऑफिस वेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रिंट वगैरह भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल डिसेंट सा कलर है तो अच्छा है। ओवरऑल लुक इसका आपको ट्राई ऑन हॉल में क्लियर हो ही जाएगा। बात करूँ मैं इसके दुपट्टे की तो ये सिल्क का दुपट्टा है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, और इस पे इस तरीके के जो चंदेरी, बेसिकली चंदेरी कुर्ते या चंदेरी की जो भी कपड़े होते हैं उनमें इसी तरीके के प्रिंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जयपुरी कुर्ती जिसे बोलते हैं या जयपुरी प्रिंट, जो समझ में आता नहीं है थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरीके का यह दुपट्टा है, ये देखिए लेंथ और विड्थ दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दुपट्टा भी काफी अच्छा है, काफी सॉफ्ट है और देखने में काफी खूबसूरत है। प्रिंट्स आपको दिख ही गए होंगे, और बॉर्डर वगैरह सब बिल्कुल प्लेन ही है, कुछ भी नहीं है, बीच में इसी तरीके का पूरे उस पर डिज़ाइन है। तो आपको बाकी जो भी जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा ट्राई ऑन हॉल में। तो ये थे तीनों कलेक्शंस, तीनों जो भी ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किए हैं, गाउन ड्रेसेस, तो तीनों के तीनों बहुत बहुत खूबसूरत हैं, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी तरफ से थम्स अप है। उम्मीद है कि आप सबको कलेक्शन पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।